नमस्कार। मनुष्य की आस्थाएं बड़ी प्रबल होती हैं। मनुष्य अंतर्मन से इस सृष्टि की शक्ति के प्रति नतमस्तक है, इसकी सत्ता को स्वीकार करता है। इस सृष्टि का नियंता कोई शक्ति है, प्रकृति है या ईश्वर है, मनुष्य इसी परम सत्ता के प्रति आस्थावान रहता है। इसके विभिन्न रूपों की, विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना करता है, अपने हितों के लिए करता है, अपनी सुरक्षा के लिए करता है और अंतर्मन की शांति के लिए करता है। ये सभी पूजा पद्धतियां साधना के माध्यम है। मनुष्य ने अपने ढंग से आस्थाओं के केंद्र बनाए हैं। इसी तरह नासिक के निकट स्थित शिरडी के साईं बाबा संस्थान के प्रति देश और दुनिया के अनेक लोगों के हृदय में अपार श्रद्धा और भक्ति की भावना है। साईं बाबा संस्थान भक्ति, दुआ और सेवा के लिए प्रसिद्ध है। इसी संस्थान के अध्यक्ष श्री सुरेश हावरे जी हमारे स्टूडियो में पधारे हैं। आपका हम स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। मैं आपको बता दूं श्रोताओं कि सुरेश जी न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं। अफोर्डेबल नैनो हाउसिंग में पीएचडी आपने की है। विशुद्ध रूप से विज्ञान के विद्यार्थी हैं और अब स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के हेड के हैसियत से काम कर रहे हैं। तो बात करने का विषय शिरडी बाबा का मंदिर और विज्ञान और तमाम चीजें, हमारे तमाम प्रश्न हमारे मन में उठ रहे हैं कि हम आपसे जाने। तो सुरेश जी, आपको संस्थान का अध्यक्ष पद ग्रहण किए हुए 150 दिन से लगभग कुछ दिन अधिक हो रहे होंगे, आपने कार्यभार को लेकर, अपने कार्यभार को लेकर आप कैसा अनुभव कर रहे हैं? पहले प्रथम तो मैं एक धन्यवाद देना चाहूँगा महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस जी का, जिन्होंने मुझे यह जिम्मेदारी सौंपी और इस जिम्मेदारी के योग्य समझा। मुझे बहुत समाधान होता है यह जिम्मेदारी संभालते हुए, और ऐसा पवित्र काम करने का मौका जिंदगी में शायद ही कभी कभार मिलता है। अब तक तो मैंने साइंस की सेवा की है, अब स्पिरिचुअलिटी की सेवा में मैं लगा हूँ। साइंस और स्पिरिचुअलिटी ये दोनों भिन्न क्षेत्र हैं, और साइंस का पूरे ज़िंदगी भर मैंने अनुभव किया, उसका रस लिया। इट वॉज माई पैशन। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि विज्ञान से जुड़े व्यक्ति हैं और विज्ञान तमाम प्रमाणों पर आधारित होता है और प्रमाण मांगता है, प्रयोग सिद्ध करता है, तो शिरडी में आध्यात्मिक धारा प्रवाहित होती है। तो दोनों के बीच, विज्ञान और आध्यात्म के बीच समन्वय कैसे कर पाते हैं, उनके साथ तालमेल कैसे बिठा पाते हैं? मुझे ऐसे लगता है साइंस और स्पिरिचुअलिटी ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ये एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी नहीं हैं। दे आर नॉट कॉम्पिटिटर ऑफ ईच अदर, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों को यदि हम विस्तार में सोचें तो साइंस डील्स विथ एक्सटर्नल थिंग्स, मटेरियल थिंग्स, मटेरियल प्रोग्रेस, प्रोडक्ट्स है, प्रोसेसेस है, मैन्युफैक्चरिंग है। वेयर एज स्पिरिचुअलिटी जो डील करती है वो इंटरनल चीज़ों से डील करती है, मन के अंदर की भावना संभावना इनको साथ में लेकर के ये चलती है। तो ये दोनों दोनों का क्षेत्र जो है वो अलग अलग है, इसमें संघर्ष आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन इतिहास में हम देखते हैं कहीं कभार यूरोप के जगह में इन दोनों में संघर्ष उठा था, गैलीलियो और कोपरनिकस के समय की ये बात है, और गैलीलियो को भुगतना पड़ा ये भी हम जानते हैं, और अंत में साइंस सर्वोपरि सिद्ध हुआ। वो जो धर्म सत्ता थी उनका जो सिद्धांत था वो नकार दिया गया और विज्ञान का सिद्धांत ही सर्वोपरि माना गया। यह एक संघर्ष का अनुभव छोड़े तो दुनिया भर में कहीं पर भी साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बीच में संघर्ष का अनुभव कहीं नहीं मिलता है। हमारे देश का यदि हम इतिहास देखें तो हमारे देश में तो स्पिरिचुअलिटी सदियों से चलते आ रही है। मॉडर्न साइंस अभी अभी का है, कंपेरेटिवली मॉडर्न साइंस इज यंगर देन द स्पिरिचुअलिटी। तो समन्वय का यह माध्यम है।
आपका आध्यात्मिक चिंतन के प्रति झुकाव कब से हो गया? पहले तो विज्ञान के विद्यार्थी थे और विज्ञान की तरह सोचते रहे होंगे, ये परिवर्तन कब से अनुभव करते हैं? देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो मेरा विकसित हुआ एजुकेशन के दौरान ही, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अनलेस एंड अंटिल योर स्पिरिचुअल फाउंडेशन इज करेक्ट, आप किसी भी क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सकते हैं। स्पिरिचुअल फाउंडेशन आपको एक स्टेबिलिटी देता है, एक सोच देता है और एक तरीका देता है। और मेरा स्पिरिचुअल फाउंडेशन डिफाइंड नहीं था, लेकिन शुरू से ही बनता गया था। मेरे मन में कभी भी अस्थिरता विचलन ऐसा कभी हुआ नहीं है, हमेशा से स्थिर रहा हूँ। और स्पिरिचुअलिटी का अभी प्रत्यक्ष अनुभव अभी अभी लेना शुरू किया है। लोग जो स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में लोग अधिकतर चमत्कार की बातें करते हैं और चमत्कार को हर कोई नमस्कार करता है, तो इसलिए चमत्कार का बोलबाला भी ज़्यादा होता है। लेकिन चमत्कार के अलावा भी ऐसी कोई शक्ति है, ऐसा अनुभव कई बार आता है कि विच इज़ बियॉन्ड योर परसेप्शन। जो ज्ञान के साधन मनुष्य के पास उपलब्ध है उनके परे भी कोई शक्ति है, ऐसा लोगों का अनुभव है और कभी कभार इसको मानना पड़ता है। बाबा के मंदिर के द्वार पर पहुंचे तो आपकी चिंतन धारा बदल गई, चिंतन के प्रति, बाबा के चिंतन के प्रति जो झुकाव बना, और वहां पहुंचे हैं तो उत्तरदायित्व बोध है आपका। तो बाबा के मंदिर में जो वहां की व्यवस्था है, जो वहां का प्रबंधन है, हमारे श्रोता उसके बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि इतना बड़ा संस्थान है और इतने सारे लोग आते हैं, प्रबंधन अपने आप में कठिन है। और हमारे मन में बड़ा कौतूहल था आपके आने से पहले कि मैं जानूं, आपने एक नया एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की है, टेम्पल मैनेजमेंट, मैं उसके बारे में भी जानना चाहता हूँ। ये नया स्वरूप, नई शब्दावली क्या आपने गढ़ ली है और किस तरह से ये ढांचा कैसा है, जो काम कैसे करता है? देखिए, साईं बाबा का मंदिर, शिरडी का देवस्थान, इतना जब लोग सुनते हैं या सोचते हैं तो केवल एक मंदिर, दर्शन और प्रणाम किया, प्रसाद दिया और वापस आ गए, इतना ही लोग सोचते हैं। जब मैं बताता हूँ कि वहाँ पर दो बड़े अस्पताल हैं 550 बेड के, एक जनरल हॉस्पिटल है 325 बेड का जहाँ जनरल सर्जरीज और ऑपरेशंस होते हैं, और एक 225 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जहाँ हार्ट के सारे ऑपरेशंस होते हैं, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी, वॉल रिप्लेसमेंट, न्यूरोलॉजी के सारे ऑपरेशंस होते हैं, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, स्पाइन सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। और एक हॉस्पिटल तो हमने फ्री कर दिया है, साईनाथ हॉस्पिटल, और साई बाबा हॉस्पिटल जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जिनके पास केशरी और पीला रेशन कार्ड है उनके लिए वो भी मुफ्त है। और साई संस्थान के कुल कर्मचारियों की संख्या भी 6,000 से अधिक है। दर्शनार्थी 50,000 से अधिक एवरीडे आते हैं। भोजन व्यवस्था 50 से 60 हज़ार लोगों की प्रतिदिन होती है, मुफ्त मुफ्त होती है। 1 जनवरी 2017 से यह व्यवस्था हमने मुफ्त कर दी है। और 6,000 से अधिक विद्यार्थी शिक्षण संस्थाएं जो है संस्थान की उसमें पढ़ते हैं। स्कूल है, गर्ल्स स्कूल है, जूनियर कॉलेज है, आईटीआई है। आईटीआई तो इतनी सुंदर है आनंद जी, मैं बताऊं आपको कि वहाँ 450 विद्यार्थी पढ़ते हैं, 11 ट्रेड्स है और सारी एडमिशन्स ऑनलाइन होती हैं। और आईटीआई के बाद में जो अभ्यासक्रम पूरा होने के बाद में करीब करीब 90% विद्यार्थियों का प्लेसमेंट होता है। और हॉस्पिटल के बारे में एक विशेषता बताना चाहूँगा, यह देश में एकमात्र केंद्र ऐसा मुझे लगता है होगा कि जहाँ 98% रिकवरी फैक्टर है पेशेंट्स का। और यहाँ केवल दवाई दी जाती है ऐसा नहीं है, दवा के साथ साथ दुआ भी यहाँ पर मिलती है,
जो दोनों ये पेशेंट, डॉक्टर्स का हाथ और बाबा का बाबा का चमत्कार चमत्कार, दोनों का तो ही दवा है। और दुआ के दोनों के परिणाम से दुरुस्ती जल्दी हो जाती असल में है। बीमार विश्वास के साथ वहां पहुंचते हैं और विश्वास पूर्वक हाँ अपनी चिकित्सा कराते हैं जरूर तो दोनों का लाभ मिलता है। सुरेश जी, ये मैनेजमेंट में जो आपने बताया कि 6,000 लोग काम करते हैं, तो इनका नियंत्रण, इनका कारोबार, जैसे पुजारी हैं, पुजारी के नाम को भी आपने कुछ और एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की है वो, और जो आपने ये टेंपल मैनेजमेंट के बारे में बताया था बराबर बराबर वो जरा बराबर विस्तार से बराबर। बताइए। मैंने ऐसे सोचा है कि देखिए, अन्य अन्य धर्मों के जो देवस्थान है वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ एक डिसिप्लिन का और शांति का अनुभव हमें मिलता है। हिंदू देवस्थान के मंदिरों में ही भीड़ और इनडिसिप्लिन, ये दोनों क्यों होते हैं? तो इन दोनों के अभाव के कारण ही होते हैं। वहाँ पर इनडिसिप्लिन और क्राउड मिसमैनेजमेंट, ये दोनों चीज़ें जो दिखाई देती है, तो ये इसी के कारण है कि वहाँ पर टेंपल मैनेजमेंट का अभाव है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट यदि इस विषय में लगा दिया जाए तो मुझे ऐसे लगता है कि यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे कोर्सेज शुरू हो सकते हैं, जो डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्सेज हो सकते हैं। टेंपल मैनेजमेंट में MBA हो सकता है, और टेंपल मैनेजमेंट से रिलेटेड कई सारे विषय, जैसे गीतकार है, संगीतकार है, आरती है, पूजा है, पद्धति है, पूजा की विधि है, पुजारी है, और पूजा मंदिर के आसपास इर्द गिर्द जितनी व्यवस्थाएं हैं वो सारी व्यवस्थाओं को लेकर के यदि टेंपल मैनेजमेंट के कोर्सेज शुरू कर दिए जाए तो ये सारे टेंपल्स मैनेज होंगे प्रोफेशनल अधिकारियों के द्वारा। और उसमें फिर आज की परिस्थिति देखिए कि ये टेंपल इंडस्ट्री, मैं ये कहता हूँ कि सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। इसको इंडस्ट्री कहना कई लोगों को उचित नहीं लगेगा, शब्द भी उचित नहीं है, यह एक क्षेत्र कहिए, धार्मिक क्षेत्र कहिए, लेकिन इस लोगों की आजीविका तो जुड़ी रहती है ना आजीविका इससे। जुड़ी रहती है, और इसमें जो टर्नओवर है वो किसी भी इंडस्ट्री को आप जोड़ दीजिए उससे सबसे ज़्यादा है, और इसमें जॉब पोटेंशियल भी बहुत अधिक है, लेकिन सिस्टमेटाइज नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है। यदि इसको डिसिप्लिन, सिस्टमेटाइज और ऑर्गेनाइज करे, और इसके साथ साथ एजुकेशनल स्किल डेवलपमेंट, कोर्सेज डेवलपमेंट, डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट्स के अगर करे, और टेंपल मैनेजमेंट नाम का विषय यदि शुरू करे, तो कई यूनिवर्सिटीज़ इसको लेने के लिए तैयार है। मेरी बातचीत भी हुई है, और मैं एक विषय टेंपल मैनेजमेंट का विकसित भी कर रहा हूँ यूनिवर्सिटीज़ के लिए, कि जो यूनिवर्सिटीज़ उसको ले और कोर्सेज शुरू करें। चलिए, अच्छी बात होगी ताकि कुछ लोगों को रोजगार मिले और बेहतर व्यवस्था हो और भक्तों के लिए सुविधाएं बढ़े। तो सुरेश जी, एक और बात जानना चाहूंगा, बस संक्षेप में बता दीजिएगा, आपके यहाँ जो कर्मचारी काम करते हैं उनका वेतन जो बाकी सरकार में काम करते हैं, बाकी जो सामाजिक जीवन में काम करते हैं, उनके वेतन में समानता है या कम ज्यादा है? नहीं, क्या है, शिरडी का जो देवस्थान है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के रेगुलेशन से चलता है, और जो सिक्स पे कमीशन वगैरह है वो वहाँ पर भी लागू होता है। बहुत अच्छी बात यस है। जब आंतरिक व्यवस्था सुदृढ़ होगी और अपने अंदर के लोग जब सुखी रहेंगे तो बाहर के लोगों के लिए भी अच्छी जरूर व्यवस्था है। कर कुछ सकेंगे। कुछ एम्प्लॉयज कॉन्ट्रैक्टर पे है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, उनका वेतन जरूर कम है, उसमें भी बढ़ोतरी करने का विचार मैनेजमेंट कर रही चलिए, है। अच्छी बात है यस ये। अच्छा, जो भीड़ की बात आपने कही थी, भक्त आते हैं और उनकी इच्छा होती है कि हम तुरंत बाबा के दर्शन पाएं और लौटें, क्योंकि पता नहीं कितनी दूर से, हजारों किलोमीटर दूर से लोग आते हैं, तो बड़ी भीड़ होती है। आपने बताया ना, 50,000 की संख्या रोज नियंत्रित कर पाना बड़ा मुश्किल है। तो किन दिशाओं से, कैसे कॉरिडोर्स बनाया है, कैसे गलियारे बनाए हैं, इनके बारे में कुछ बता पाएंगे? जरूर जरूर। देखिए, पहले तो भीड़ इतनी ज़्यादा होती थी कि मेरा खुद का अनुभव मैं यहाँ पर आपके सामने रखना चाहूँगा। 3 साल पहले मैं शिरडी गया था, और शिरडी जाने के बाद में उस भीड़ भाड़ में मैं मंदिर के बाहर ढकेला गया। मंदिर के बाहर आने के बाद बहुत दुखी हुआ, मन में निराशा थी, और मैंने अपने पत्नी से कहा कि ये मेरी आखिरी शिरडी की ट्रिप है, इसके बाद मैं शिरडी कभी नहीं आऊँगा। लेकिन 3 साल बाद मुझे जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया तो मैंने उनको ये कहानी बताई, तो उन्होंने मुख्यमंत्री कहा जी ने बुलाया, बाबा ने आपको संदेश भेजा?
तो उन्होंने यही कहा कि देखो हो सकता है बाबा का बुलावा आपको आया है। तो मैंने ये सोचा कि मुझे जो अनुभव लेना पड़ा वो किसी भक्त के नसीब में ना आए, तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक डिवोटी मैनेजमेंट सिस्टम वहाँ पर लागू करना एक उचित मैंने समझा और हमने वो एक निर्णय लिया। आज वहाँ पर जो दर्शन व्यवस्था है, तो जो भी भक्त जहाँ से भी जाता है, पहले उसको लाइन में लगने की जल्दबाजी रहती थी कि जितना जल्दी मैं लाइन में लगूंगा उतनी जल्दी मेरा दर्शन होगा। आज वो भीड़ भाड़ नहीं है, आज वो जाता है अपना दर्शन, टाइम दर्शन व्यवस्था वहाँ पर शुरू की है, तो अपना फ़ोटो निकालता है, बायोमेट्रिक होती है और उसको एक टाइम स्लॉट मिलता है दर्शन के लिए, 12 से 1, 1 से 2 या 2 से 3, तो उस टाइम स्लॉट में ही उसको जाना है। और वहाँ पर जाने के समय में उसका वेरिफिकेशन होता है और दर्शन होने के बाद में उसका वेरिफिकेशन होता है, हर भक्त की वहाँ पर नोंद होती है। आज तक वहाँ पर भीड़ थी, आज लोग व्यक्ति इंसान के नाते वहाँ पर गिने जाते हैं, कितने व्यक्ति आए वो गिने जाते हैं, उनके फोटोग्राफ के साथ में उनका रिकॉर्ड होता है और हर एक भक्त को कितना टाइम लगा इसकी भी गिनती होती है, पूरी स्टैटिस्टिक्स पूरे आपके पास है। स्टैटिस्टिक्स है। तो भीड़ का जो समय था 31 दिसंबर और 1 जनवरी का, तो उस वक्त हमने ध्यान दे करके इस बात को देखा कि कम से कम कितना समय लगा, तो 25 मिनट में भक्त का दर्शन हुआ और ज़्यादा से ज़्यादा 55 मिनट भक्त के दर्शन को लगे, अधिकतर समय उसको लाइन में ये तो लगने की बहुत ज़रूरत है। सुविधाजनक है, लेकिन जो व्यवस्था आपने बताई वहां पहुंचकर जो नोंद करें वहां पर रजिस्ट्रेशन करें, ये व्यवस्था 10-15 दिन महीने भर पहले अपने घर से इंटरनेट पर कर लें, तो ऐसी कोई व्यवस्था आपने नहीं बनाई है? इसका भी विचार अभी चल रहा है कि ऑनलाइन दर्शन के वहाँ जाने के बाद में बायोमेट्रिक करेगा, लेकिन यहाँ से ही अगर मुझे समय तय होता है कि दोपहर में 3 बजे मेरा दर्शन का टाइम मुझे मिल गया, तो उसी हिसाब से मैं यहाँ से निकलने की व्यवस्था कर सकता हूँ, तो वो ऑनलाइन टाइम दर्शन की व्यवस्था का भी हम विचार कर रहे हैं। इसके साथ साथ दूसरी ये बात देखिए कि भक्त को दर्शन जो है वो पूरे भक्ति भाव से मिलना चाहिए, प्रेम और आदर के साथ मिलना चाहिए। तो एक छोटी छोटी व्यवस्था थी लेकिन उससे परिणामकारक स्वरूप सामने आया जी कि जैसे भक्त लाइन में लगता है तो उसको गंधा टीका लगाया जाए, चंदन का टीका लगाया जाए, तो वो खुद बड़ा गौरव का अनुभव गौरवान्वित करेगा। तो महसूस करता है कि अरे मेरी किसी ने तो नोंद ली है, किसी ने मुझे आज रिकग्नाइज किया, रिस्पेक्ट दिया है, तो वो एक भक्तिभाव के वातावरण में वहाँ चला जाता है। सुरेश जी, एक और बात है, जैसे गर्भवती महिलाएं हैं या कोई बीमार है, बीमारों को तो विश्वास होता है कि हम डॉक्टर हमें ठीक नहीं कर पा रहा है, तो बाबा के दर्शन करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। स्वाभाविक रूप से मनुष्य इस तरह से चाहता है कि वो ठीक हो, क्योंकि मन हमेशा अच्छी ओर सोचता है। दूसरी दिव्यांगों के लिए है, जिनके लिए चलना फिरना या बाकी शारीरिक अपूर्णता के कारण उन्हें कठिनाई होती है, तो इनके लिए कोई अलग व्यवस्था आपने की है क्या? जरूर, दिव्यांगों के लिए डायरेक्ट स्पेशल दर्शन की व्यवस्था हमने की है। मैंने क्या किया कि मेरा एक स्वभाव ऐसा है कि मैं खुद की आंखों पर अधिक विश्वास करता हूँ किसी के बताई हुई बातों के अलावा, तो मैं जनरल लाइन जो है दर्शन की उस लाइन में स्वयं गया और मैंने जो कठिनाई भक्तों की देखी कि कुछ सीनियर सिटीजन्स थे, लकड़ी टेकते टेकते जा रहे थे, तो मैंने सीनियर सिटीजन्स की अलग से कतार लगा दी, उनको डायरेक्ट बाबा के दर्शन की व्यवस्था कर दी। कुछ महिलाएं थी बच्चों को बगल में लेकर के, इन्फेंट कैरिंग मदर्स, तो उनकी भी अलग से डायरेक्ट स्पेशल दर्शन की व्यवस्था हमने की है। विकलांगों के लिए अलग से एक रैंप बनाया है, व्हील चेयर की भी व्यवस्था वहाँ पर अच्छा, ये है, तो बहुत बढ़िया है। यस, और उनके भी डायरेक्ट व्यवस्था दर्शन की है, उनको कतार में लगना नहीं पड़ता है, और सारे भक्तों को, बीमारों को भी डायरेक्ट व्यवस्था है, और सारे तो भक्तों को बीमार को कैसे पहचानेंगे कि ये बीमार हैं? कोई सर्टिफिकेट लेते हैं उनसे या किस नहीं तरह से? वो खुद बताते हैं, या मफलर ओढ़े हैं, चद्दर ओढ़े हुए हैं, स्वेटर पहने हुए हैं, बीमार बीमार नज़र ही कुछ आता इस है। तरह से भी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वो बीमार वास्तव में हैं
और कोई ऐसा प्रमाण पत्र डॉक्टर देता है तो उनके लिए भी कुछ इस तरह से किया जाए? इसका गलत फायदा उठाने वालों की संख्या बहुत कम है, इसलिए वो नहीं किया। चलिए और सारी सुविधाएं भक्तों को मिले। यस भक्तों के लिए बहुत काम कर रहे हैं सुरेश जी। यस साईं बाबा सेवा के पर्याय थे, यस मतलब एक माना जाता था कि बाबा सबकी जनमानस की सेवा कर रहे हैं, जन कल्याण कर रहे हैं और जीवन भर करते रहे हैं। तो सेवा में आम आदमी के जो जीवन की समस्याएं हैं, भूख से तड़प रहा है इंसान, भूख की तृप्ति होनी चाहिए, चिकित्सा के बारे में आपने बहुत पहले बता दिया, आवास, शिक्षा, संस्कृति और सुरक्षा। तो हम सबसे पहले जान भोजन को लेकर जो केंद्र के अंदर आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं, और देश में जो गरीब हैं जिनको भोजन नहीं मिल पा रहा है, तो संस्थान की ओर से बहुत दान दक्षिणा आ रहा है, तो उस दान दक्षिणा का उपयोग क्या केंद्र से बाहर के भूखे लोगों के लिए भी कुछ कर पा रहे हैं? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बाबा ने एक मंत्र हमें दिया है, श्रद्धा और सबूरी का वो मंत्र है। और इसी के साथ साथ बाबा ने एक तंत्र भी दिया है, और वो तंत्र है सेवा का। यह तंत्र बहुत महत्वपूर्ण है। साईं बाबा का जीवन चरित्र यदि हम पढ़ करके देखें, जो साईं सच्चरित्र से प्रकट होता है, तो उसके दो अंग है। एक है साईं लीला और दूसरा है साईं सेवा। बाबा ने स्वयं अपने हाथों से रुग्णों की सेवा की है, भूखों को अन्न खिलाया है, भिक्षा मांग करके पीस करके खाना बना करके खिलाया है, बच्चों की सेवा की है, गाय गोधन की सेवा की है, वृक्षों की सेवा की है, स्वच्छता के काम बाबा ने अपने हाथों से किए हैं। तो सेवा भाव जो था, यह मुख्य भाव बाबा के जीवन का दिखाई देता है। और जो बाबा की लीलाओं का अधिक प्रचार प्रसार ज़्यादा हुआ है, वो जो दिखाई देता है, तो अधिकतर ऐसा पता चलता है कि ये लीलाएं भी बाबा ने जो की है, अकाल पड़ा है, एपिडेमिक कुछ आया है, बीमारियां फैल रही हैं, तो उनमें से लोगों को राहत कैसे मिले, इसलिए कुछ लीलाएं भी की हैं। तो लीलाओं का उद्देश्य भी सेवा के प्रति ही नज़र आता है। तो सेवा भाव सबसे महत्वपूर्ण है, यह सेवा भाव सबसे ज़्यादा बढ़े, इसलिए मंदिर की ओर से कई योजनाओं का प्लानिंग हमने किया है। महाराष्ट्र के दुर्गम भाग में, ग्रामीण भाग में 500 एम्बुलेंस मंदिर की ओर से एनजीओ के माध्यम से देने का एक प्लान हमने बनाया है। और जैसे तिरुपति में केश दान होता है, वैसे शिरडी में रक्तदान होना चाहिए। गुरुवार यह बाबा का वार है, तो कोई भी भक्त जाता है तो उसका रक्तदान वहाँ पर करना, यह एक परिपाटी वहाँ पर बने। और केवल गुरुवार क्यों, हर दिन नए नए भक्त आते हैं, तो हम पूरे प्रांत भर से अनेक अनेक ब्लड बैंकों को वहाँ पर बुलाना चाहते हो, आइए यहाँ पर रक्तदान कैंप लगाइए और यहाँ से रक्त लेकर के लोग जाइए। श्रद्धा पूर्वक श्रद्धा रक्तदान पूर्वक करते आएंगे। रहे। और भूख भूख जो है वो बेसिक समस्या आपने उजागर की है, मनुष्य की है। वहाँ शिरडी में तो अन्नदान होता ही है। हमने ऐसे सूचना सभी साईं मंदिरों को दी है कि हर साईं मंदिर में अन्नदान का कार्यक्रम हो। आज देश भर में 4,000 से अधिक साईं मंदिर है, और देश के बाहर भी 400 से अधिक साईं मंदिर है। तो गुरुवार के दिन करीब करीब सभी जगह पर अन्नदान के कार्यक्रम होते हैं। इसके अलावा शिरडी के आसपास जितने वृद्धाश्रम हैं, जितने अनाथालय हैं, ऐसे कई 20-25 स्थानों पर भोजन पहुंचाने का काम बना करके ये साईं शिरडी मंदिर की ओर से होता है। अच्छा, भोजन बनाने की बात आपने कही तो आपके बारे में हमने यस सुन रखा है कि बड़ा वैज्ञानिक व्यवस्था आपने कर रखी है, बहुत वो अच्छी कैसे व्यवस्था। क्या करते हैं देखिए, जरा ऐसा बताएं। है कि पूरा भोजन जो बनता है वो सोलर एनर्जी से बनता है। सोलर पैनल्स लगे हैं भोजनालय के ऊपर में, और उसमें से सोलर कुकिंग की व्यवस्था बनी हुई है। सारा अनाज जो बनता है वो ग्रीन एनर्जी से बनता है। और इतना ही नहीं, वहाँ संख्या बहुत ज़्यादा होने के कारण कितने भी आप महिलाओं को बोलिए चपाती बनाने के लिए, तो उसका स्पीड वो मैच नहीं हो पाता था, कमियां हमेशा नज़र आती थी। तो वहाँ पर मशीनों का निर्माण किया गया यानी है, रोटी बेलने का काम रोटी मशीन मशीन और करती पकाने है, का काम भी मशीन मशीन करेंगे। करती है।
एक घंटे में 20,000 रोटी बनाने वाली वाह मशीन वहाँ पर है, वाह, तो 20,000 मशीन रोटी एक घंटे में बनाती है। 50,000 लोग आते हैं तो उनको मान लो 1.5 लाख रोटी मिलेगी चाहिए, तो वो 6 घंटे में वहाँ पर बन जाती है। ऐसी और भी मशीन्स वहाँ पर डाली जा रही हैं। पूरा अनाज छानने से लेकर के पीसना, उसका आटा गूंथना और रोटी बनाना और रोटी निकालना, यह एक सीरियल मशीनरी के द्वारा काम होता है। कहीं पर भी मनुष्य का इंटरवेंशन नहीं है, और हेल्दी एंड हाइजेनिक फूड वहाँ पर बनता है। बहुत सुंदर व्यवस्था है। शिक्षा के संदर्भ में आपने बात कही थी, आपने कॉलेजेस खोल रखे हैं, बड़ी उनका प्लेसमेंट्स भी हो रहे हैं विद्यार्थियों के, लेकिन अपने केंद्र के बाहर देश के जो अन्य विद्यार्थी हैं गरीबी के कारण पढ़ नहीं पाते हैं, उनके लिए सहयोग की कोई व्यवस्था है आपके पास? जरूर, हमने ऐसा सोचा है कि देखिए, इफ़ यू क्रिएट द लीडर्स, लीडर्स विल टेक केयर ऑफ द सिस्टम्स एंड सोसाइटी। तो हमने ये सोचा है कि ये जो परीक्षाएं होती हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, यूपीएससी एमपीएससी की, जिसमें से आईएएस आईपीएस आईआरएस के अधिकारी निर्माण होते हैं, जो देश का कारोबार चलाते हैं, तो ऐसे देश के गरीब से गरीब विद्यार्थी और होशियार विद्यार्थी जो केवल परिस्थिति के अभाव के कारण पढ़ नहीं पाए या आगे बढ़ नहीं पाए, ऐसे विद्यार्थियों को चुन करके एक आईएएस ट्रेनिंग एकेडमी वहाँ पर शुरू करने का हमने निर्णय लिया है, जहाँ रहने का प्रबंध होगा फ्री ऑफ कॉस्ट, भोजन का प्रबंध होगा फ्री ऑफ कॉस्ट, पढ़ाई का प्रबंध होगा फ्री ऑफ कॉस्ट। वो वहाँ पर रह सकेंगे, अपने परीक्षा की तैयारी कर सकेंगे और आईएएस के करियर का एक प्लान वो कर सकेंगे। तो यह एक बड़ी प्रणाली वहाँ पर इसी साल में हम शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा साइंटिफिक टेम्परामेंट आसपास के विद्यार्थियों में जागरूक हो, इसलिए जैसे यहाँ पर मुंबई में नेहरू प्लानिटोरियम है, उसी के आधार पर साई प्लानिटोरियम वहाँ पर हमने निर्माण करने का निर्णय लिया है, ये बड़ी सुंदर जे योजना है, जिसमें विद्यार्थी बैठ करके आकाश दर्शन कर सके, वाह क्या अन्यान्य, बात है, और फिर शनि का उनको भय नहीं लगेगा, जब शनि की रिंग वो घूमते हुए वहाँ पर देखेंगे, वो यथार्थ गुरु का भय नहीं लगेगा, मंगल का भय नहीं लगेगा। की धरातल पर लोग चलेंगे। यस संस्कृति, किसी देश की संस्कृति, समाज की संस्कृति लोगों को आनंदमय अवस्था में ले जाती है, विकास करती है। भोजन, चिकित्सा, इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर जब व्यक्ति संस्कृति में जीता है और संस्कृति को समृद्ध करता है तो बड़ी अच्छी स्थिति होती है। तो सांस्कृतिक विकास के लिए धर्म भी संस्कृति है, जो कीर्तन भजन करते हैं वो भी संस्कृति है। तो पहली चीज़ मैं जानना चाहूँगा, जो मंदिर की आरती, भजन कीर्तन या अन्य सांस्कृतिक विकास के लिए ये आपका केंद्र क्या कर रहा है? देखिए, मैंने हमेशा ये सोचा है कि जो भक्त शिरडी आता है, बाबा के दर्शन पाता है, बाबा के आशीर्वाद नमन करता है, प्रणाम करता है, प्रसाद लेता है, उदी प्रसाद लेता है, वह ऐसे ही वहाँ से चला जाए घर में बिना किसी भक्ति भाव के वातावरण में लिप्त हुए, तो यह न होना चाहिए, यह नहीं होना चाहिए। इसलिए वहाँ पर दैनंदिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों की योजना वहाँ पर होनी चाहिए। तो जैसे सुबह की आरती 4:30 बजे होती है, तो वो सारे आरती का प्रसारण पूरे नगर में होता है। अभी 50 एलईडी स्क्रीन्स पूरे शहर में लगाने का विचार हमने किया है, निर्णय भी लिया है, लाउड स्पीकर सिस्टम पूरे नगर में लगाने का विचार किया है। तो नगर सुबह 4 बजे 4:30 बजे जागरूक हो जाए, जैसे ही नगरी में कोई आएगा, रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पे है, बस स्टैंड पे है, तो उसको आरती सुनाई देगी, एक भक्तिभाव का वातावरण वहाँ पर निर्माण होगा। और इसी के साथ साथ जो 4 आरतियां तो होती है, उसके बीच में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का वहाँ पर आयोजन करने का निर्णय लिया है। अभी तक 35 दिन में 365 में से कार्यक्रम वहाँ पर होते थे, लेकिन अभी 365 दिन और रोज 2 कार्यक्रम, ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम, कीर्तन, साई कीर्तन, भजन, प्रवचन, डिस्कोर्सेस, डिस्कशंस, नैतिक मूल्यों पर आधारित कार्यक्रम, ऐसे अन्य अन्य कार्यक्रमों का आयोजन वहाँ पर किया है और भक्तों का बहुत अच्छा प्रतिसाद उसको मिल रहा है। बहुत सुंदर, दिव्य। आरंभ में जब मंदिर बना साईं बाबा का, छोटा सा कस्बा था, छोटा सा गांव था, छोटा सा कस्बा बन गया, छोटा सा शहर बन गया, काफी विकास हो गया है। विकास के इस दौर में लोगों की समझ में लोगों का ध्यान सिर्फ साईं बाबा शिरडी,
इतना आता है। तो जो शहर विकसित हो गया, शहर में लोगों के रोजगार हैं, अपनी व्यवस्थाएं हैं, घर हैं, तो वहाँ की जो पालिका है या वहाँ की जो पंचायत है उससे कैसे तालमेल बिठाते हैं, उस शहर को लोगों के मन में जो जो ध्यान बनता है, जो छवि बनती है, वो ये है कि शिरडी का आश्रम है पूरा शहर। तो कहीं ऐसा वेटिकन सिटी की तरह तो कुछ कल्पना नहीं की जा सकती है शिरडी की? जरूर जरूर जरूर, आपने जो समय की बात शुरुआत में की है कि बाबा का मंदिर छोटा सा था लेकिन अभी उसका विस्तार बहुत हो गया है, तो मुझे ऐसा लगता है शुरू में गंगा भी जो निकलती है वो गंगोत्री में से ही निकलती है। गंगोत्री में आप देखेंगे तो गंगा छोटी सी नज़र आती है, लेकिन जैसे आगे आगे बढ़ती है तो उसका विस्तार एक महाकाय रूप में हो जाता है। तो यह समय के हिसाब से यह साई गंगा निकली है, तो शुरुआत में वो छोटी सी थी लेकिन अभी उसने इतना विशाल रूप धारण किया है। मैंने जब हिसाब लगाया तब मैं भी आश्चर्यचकित हो गया कि देश भर में 4,500 4,000 से अधिक साई मंदिर हैं और देश के बाहर विदेशों में 400 से अधिक साई मंदिर हैं। अकेले अमेरिका में 80 साई मंदिर हैं, मलेशिया में 22 साई मंदिर हैं, जापान में है, जर्मनी में है, ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में है, हांगकांग में है, दक्षिण अमेरिका में है, कहाँ कहाँ नहीं है। तो ऐसे साई मूवमेंट जो मुझे दिखाई देती है, इसको एक साई मूवमेंट के रूप में मैं लेता हूँ और ये मुझे ऐसे लगता है कि सबसे बड़ी मूवमेंट ये है। इतनी बड़ी मूवमेंट मैंने दूसरी नहीं देखी। और इसी हिसाब से हमने ये सोचा कि इन सारे मंदिरों को एकत्रित करें, इनमें से नेटवर्किंग निर्माण करें और इसको एक ऑर्गेनाइज्ड भक्ति फोर्स इसके रूप में प्रस्तुत करें। तो इसी रूप में हमने गत 11-12 दिसंबर को ग्लोबल साई टेंपल समिट का आयोजन शिरडी में किया था, जिसमें 4,500 से ज़्यादा ट्रस्टीज़ ने भाग लिया और सभी ने यह निर्णय किया कि साई मूवमेंट को एक सोशल फोर्स, एक सेवा भाव, भक्ति भाव, सोशल ओरिएंटेशन, कम्युनिटी ओरिएंटेशन ऐसा देने की आवश्यकता है। और आपने वेटिकन की बहुत अच्छी बात की है, तो ये वेटिकन के रूप में ही प्रस्तुत हो सकता है। और अभी साई मंदिरों का निर्माण अन्य अन्य जगहों पर हो रहा है और भक्तों को साई बाबा ने जो अनुभूति दी है, जो दृष्टांत दिया है, जो इंस्पिरेशन दिया है, उससे भक्त खुद इंस्पायर होकर के निर्माण कर रहे हैं। कोई व्यक्ति इसके पीछे मुझे नहीं दिखाई देता है कि जो शिरडी से निकला या प्रचार प्रसार करते हुए विस्तार करते हुए गया। मुझे ऐसा लगता है इस मूवमेंट का मूवर यदि कोई है तो बाबा ही इस मूवमेंट के मूवर हैं। लोग अपने भाव लोक में पहुंचकर बाबा यस, के अभियान में जुड़ जाते हैं। जुड़ जाते हैं। सुरेश जी, एक गंभीर प्रश्न मन में आता है, इतने सारे लोग जब वहां आते हैं एक छोटे से शहर में, केंद्र देश के हिसाब से देखा जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो छोटा सा ही केंद्र होता है, लेकिन अपने आप में बहुत बड़ा केंद्र है। इतने सारे लोग आएंगे तो अव्यवस्था भी होती है, लोग अस्वच्छ भी करते हैं, गंदगी भी छोड़ते हैं वहां पर, तो पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, उसको स्वच्छ करने की व्यवस्था या पर्यावरण के को हरा बनाने की व्यवस्था, कचरों की रिसाइकिल कैसे कर पाते हैं, क्या व्यवस्था जरूर है? जरूर, इसके पहले एक छोटा सा प्रश्न आपका छूट गया, वो मैं बताना चाहूँगा कि गांवों के साथ में कैसा तालमेल है। जी तो गांव में नगर पालिका है और नगर पालिका के जो अध्यक्ष है वो भी समिति ट्रस्ट के सदस्य हैं और गांव के साथ में बहुत अच्छा तालमेल है। पहले कैसे रहा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अभी तो बहुत अच्छा मित्रता का स्वभाव है, मित्रता का व्यवहार है। और हमने दोनों ने मिलकर के यही सोचा है कि साई मंदिर और शिरडी गांव ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही है और विकास की जिम्मेदारी दोनों की है। जैसे एक व्यक्ति के दो हाथ होते हैं वैसे एक साई मंदिर और शिरडी ऐसे दो हाथ हैं, दोनों मजबूत होने चाहिए, केवल एक मजबूत होने से नहीं चलेगा। सामूहिक विकास से सामूहिक क्षेत्रीय लोग विकास, संतुष्ट यस, हैं। इंटीग्रल डेवलपमेंट होनी चाहिए। और स्वच्छता की जो बात है और हरितकरण की जो बात है, तो हमने ऐसे विचार किया है कि पूरा शिरडी शहर भक्ति भाव से ओतप्रोत होना चाहिए, इसलिए स्वच्छ होना पहली आवश्यकता है। तो जब विचार किया कि ये गंदगी कहाँ डालेंगे, कचरा जमा होता है वो कहाँ डालेंगे, करीब शहर का 12 टन कचरा रोज निकलता है,
और मंदिर का 5 टन कचरा निकलता है, 17 टन कचरा रोज निकलता है। तो ये डालने के लिए कहीं पर जगह नहीं है, कहीं पर व्यवस्था नहीं है। जितनी व्यवस्था थी वो कुएं में डालते थे, कुएं फुल हो गए, खड्डे में डालते थे, खड्डे भर गए हैं। तो अभी हमने एक टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन उसके ऊपर निकाला है, जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी का। तो एक 20 टन पर डे कैपेसिटी का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्लांट हम वहाँ पर डाल रहे हैं, जिसमें से कुकिंग गैस बनेगा, जो कुकिंग के व्यवस्था में आएगा, ये मंदिर के लिए और शहर के लिए। मंदिर के लिए कुकिंग गैस बनेगा, और उसमें से कुछ फर्टिलाइज़र बनेगा जो मंदिर के जो गार्डन है और गांव में जो हरियाली हम बढ़ाना चाहते हैं उसके काम में आएगा। ये दोनों चीज़ें उसमें से बनेगी, और इस प्लांट की जो लागत है वो 4 साल में वसूल हो जाएगी। ऐसी टेक्नोलॉजी हमने वहाँ पर उपयोग ये करने का बहुत सुंदर निर्णय लिया व्यवस्था है, है। और सारे गांव में चौराहे जो है उनका हरितीकरण और रास्तों का हरितीकरण, रास्तों में पेड़ पौधे लगाने का एक अभियान चलाने का निर्णय हमने लिया है। तो आगे आने वाले दिनों में आप पाएंगे कि शिरडी एक स्वच्छ, सुंदर, हरा भरा और प्रसन्न वातावरण, भक्तिमय वातावरण का ऐसा एक शहर बने। आवागमन को लेकर एक समस्या होती है। दूर से लोग तो ट्रेन या हवाई जहाज से पहुंच जाते हैं, लेकिन शिरडी के नज़दीक पहुंचना अपने आप में कठिन है। जैसे अन्य मंदिरों में, तिरुमला में या बाकी मंदिरों में देश के, उनकी अपनी बसेस चलती हैं जहाँ से, तो मनमाड या आसपास नासिक से आपकी बसों की कोई व्यवस्था है या योजना में है इस तरह? देखिए, एसटी महामंडल के तालमेल के साथ में एसटी की बहुत अच्छी व्यवस्था वहाँ पर है। आसपास के गांवों से एसटी आती है, ट्रेनें वहाँ पर आती है। अभी कुछ ही दिनों में एयरपोर्ट वहाँ का शुरू होने वाला है, तो बड़ी अच्छी तो खबर है। हाँ, और कई जगहों से एयरपोर्ट के माध्यम से लोग हवाई जहाज के द्वारा आ पाएंगे। और मंदिर के लोकल शिरडी ग्राम स्थान में व्यवस्था है, शिरडी में जितने भी आवागमन की आवश्यकता है भक्तों के लिए, निवास स्थान से मंदिर आना चाहते हैं, मंदिर से निवास स्थान जाना चाहते हैं, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट या बस स्थानक पे जाना चाहते हैं, तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट आवागमन की व्यवस्था मंदिर की ओर से उत्पादित है। बहुत सुंदर व्यवस्था है ये। या सुरेश जी, एक बात और जानना था। जैसे कि आपने भक्त निवास के बारे में शुरू में कहा कि लगभग जितना है वो अकोमोडेट हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग और अच्छी व्यवस्था में रहना चाहते हैं, होटल्स वगैरह में, या जो सामान्य व्यक्ति जाना चाहे होटल में रहना चाहे निकट, तो होटल से कुछ टाई अप करके, कुछ उनसे तालमेल बिठाकर सस्ते दामों पर व्यवस्था आपकी ओर से की जा रही है क्या? देखिए, मंदिर की ओर से जो निवास की व्यवस्था है वो करीब 20,000 भक्त रह सकेंगे, इतनी व्यवस्था है। अभी 50,000 करीब लोग रोज आते हैं, सारे के सारे तो वहाँ निवास नहीं करते हैं, आधे से अधिक निकल जाते हैं दर्शन लेकर के। तो जो निवास करते हैं उनकी व्यवस्था वहाँ पर मंदिर के द्वारा होती है और प्राइवेट होटल्स के द्वारा भी होती है। अधिकतर होटल ओनर्स की भी यह एक रिक्वायरमेंट आई है कि हमारा बुकिंग भी आप ही करिए। तो हमने ऐसे विचार किया कि सारे होटल ओनर्स को एकत्रित करके उनमें भी तालमेल बिठाने का एक निर्णय करें, एक स्टैंडर्डाइजेशन एक करें, जिसमें रेट का स्टैंडर्डाइजेशन हो, सर्विसेज का स्टैंडर्डाइजेशन हो, भक्तिभाव के वातावरण का स्टैंडर्डाइजेशन हो। ऐसा एक विचार आगे आने वाले दिनों में हम कर रहे हैं, जिसे आवागमन की व्यवस्था और निवास की व्यवस्था एक सुरक्षित रूप से हो और सुखद अनुभव देने वाली हो। भक्तगण प्रसन्न होंगे। बराबर। सुरेश जी, अब जो आगामी वर्ष है, विशेष है 2018, और साईं बाबा का समाधि शताब्दी वर्ष है, तो उम्मीद की जाती है करोड़ से ज़्यादा लोग आएंगे, या वास्तविक आंकड़ा तो आप बता पाएंगे क्या है, तो उसकी क्या योजना है, कितने लोग आएंगे और कितना आपने उस योजना के तहत तैयारी कर ली है, कितना बाकी है, कितना सक्षम है और कितना करने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं, या कहाँ से बराबर। सहयोग लेंगे, बहुत सारी बातें एक साथ। देखिए, सबसे बड़ा फोर्स और सबसे बड़ी शक्ति का स्रोत जो है वो तो स्वयं बाबा ही है, बाबा है। और बाबा के माध्यम से कई शक्तियाँ इसके पीछे लगी है। महाराष्ट्र शासन और केंद्र शासन की मदद भी इसमें ली जा रही है, और भक्तों के द्वारा भी इसको एक मदद मिल रही है। तो अंदाज़ा ऐसा है कि 1 अक्टूबर 2017 से समाधि शताब्दी वर्ष की शुरुआत होने वाली है, दशहरे का वो दिन है, और
2018 में जो दशहरा आता है वो 18 अक्टूबर को आता है। तो यह एक साल का समय जो है वो समाधि शताब्दी वर्ष के नाम रूप में सारे दुनिया भर में मनाया जाएगा। तो इसके सेलिब्रेशन जो होगा वो केवल शिरडी में होगा ऐसा नहीं, जहाँ जहाँ साई मंदिर है, 4,500 साई मंदिर है, हर साई मंदिर में सेलिब्रेशन होगा और शिरडी में भी होगा। और शिरडी और साई मंदिर दोनों के बीच में एक फ्लोट रथ यात्रा निकाल करके सारे मंदिरों को जोड़ करके वो सारे रथ शिरडी में एक दिन पहुँचे, ऐसा भी एक योजना और प्रयोजन चल रहा है। इसके अलावा साई भक्त एक भक्तिमय वातावरण का अनुभव शिरडी में जाने के बाद करे, तो इसलिए एक साई सृष्टि का निर्माण करने का हमने निर्णय लिया है। प्रसिद्ध सिने कलावंत और दिग्दर्शक नितिन चंद्रकांत देसाई, इनकी मदद से वो साई सृष्टि का निर्माण हम कर रहे हैं। एक संतों का वैक्स म्यूजियम वहाँ पर निर्माण कर रहे हैं कि जिसके द्वारा भारत भर के जो संत है, भारत भूमि को संत भूमि कहा जाता है, तो ये संतों का वैक्स म्यूजियम वहाँ पर हो, लोग अनुभव करें हमारे प्रांत के कौन संत है। इसके अलावा गौशाला का वहाँ पर निर्माण किया जा रहा है और साई लेजर शो का निर्माण वहाँ पर किया जाएगा, जो शो 5,000 लोग एट ए टाइम बैठ करके देख सकेंगे और उसका आनंद ले सकेंगे। सेंटोसा आइलैंड में, सिंगापुर में जब जाते हैं तब वो आनंद लेजर शो का और वाटर फाउंटेन, डांसिंग फाउंटेन का लेते हैं, वही आनंद शिरडी में लेने को मिले। ऐसे कई सारी योजनाएं वहाँ पर एनर्जी बन के रही क्षेत्र हैं। में भी, ऊर्जा के क्षेत्र में भी, पवन ऊर्जा के क्षेत्र में आप कुछ काम कर रहे हैं। जरूर, पवन ऊर्जा का 2 मेगावाट का प्लांट मंदिर ने बना के रखा है, जिससे मंदिर को ऊर्जा मिलती है। मंदिर का कंजम्पशन जो है करीब 10 मेगावाट का है और 8 मेगावाट की आवश्यकता है। तो सोलर मतलब रूफटॉप सोलर प्लांट या जमीन पर बनाया हुआ सोलर प्लांट, ऐसा हम सोच रहे हैं। रूफटॉप सोलर प्लांट की क्षमता बहुत कम होती है, तो एक 8 मेगावाट का सोलर प्लांट डाले तो मंदिर का इकोनॉमिक्स सुधर जाएगा, अच्छा होगा, उसमें राहत मिलेगी, ऐसा हमारा विचार है। आपके अनुमानित कितने लोग आएंगे इस शताब्दी वर्ष में? एक देखिए, टाटा कंसल्टेंसी को हमने एक प्रोजेक्ट दिया था अनुमान लगाने के लिए और सारी व्यवस्थाओं का प्लानिंग करने के लिए। उनके अनुसार इस वर्ष में 4.5 करोड़ भक्त वहाँ पर आएंगे, ऐसा अनुमान है। ठहरने का प्रबंध कर लेंगे आप? ये जो व्यवस्था है ये कुंभ मेले से भी बड़ी व्यवस्था है और इसमें शासन की ज़रूरत बहुत महत्वपूर्ण है, शासन का सहभाग इसमें है और शासन द्वारा ही यह सारी व्यवस्था हो पाएगी मंदिरों के सहयोग से। और यह सारी व्यवस्थाएं निर्मित हो रही है, निवास की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, रास्तों की व्यवस्था, आवागमन की व्यवस्था, कम्युनिकेशन, सारी व्यवस्थाओं का निर्माण हो रहा है। एक और पक्ष है, इतने सारे लोग आ रहे हैं पूरे विश्व से, तो लोगों के मन में हृदय से तो आस्था है बाबा से जुड़ना, दिमाग से घूमना फिरना, दृश्य देखना यानी पर्यटन, तो दोनों को अध्यात्म और पर्यटन को जोड़कर कुछ करने की योजना है या कुछ कर रहे हो आप? जरूर, मेरा ऐसा मानना है कि स्पिरिचुअल टूरिज्म अपने देश में विकसित होना बहुत ज़रूरी है। लोग जैसे चार धाम यात्रा है, अष्टविनायक यात्रा है, 12 शिवलिंग की यात्रा है, ऐसे जगह जगह लोग जाते ही हैं। शिरडी आते हैं तो शिरडी के आसपास भी लोग घूमते हैं। तो एक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल टूरिज्म यदि डेवलप अपने यहाँ पर होता है तो लोगों को उससे बहुत राहत मिलेगी। आज व्यवस्थाओं का अभाव है, मंदिरों में लोग जाते हैं तो वहाँ पर भीड़ भाड़, अव्यवस्था, इनडिसिप्लिन, अस्वच्छता, इनका अनुभव उनको मिलता है। लेकिन इनमें यदि सुधार लाया जाए, इनमें यदि प्रोफेशनलिज्म डाला जाए, और मैंने जैसे टेंपल मैनेजमेंट का उदाहरण दे करके कहा कि टेंपल मैनेजमेंट के द्वारा यदि इनमें सुधार लाया जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्पिरिचुअल टूरिज्म बहुत अच्छा डेवलप होगा। वहाँ एक आवश्यकता जो है, वहाँ पीस की आवश्यकता है। वहाँ जब भक्त जाता है तो उसको वहाँ जाने के बाद में शांति, सुखद और पीसफुल का अनुभव वहाँ पर मिले। तो वहाँ एक मेडिटेशन सेंटर होना चाहिए, वहाँ एक आधा कन्फेशन सेंटर होना चाहिए।
कन्फेशन यह एक बहुत बड़ा सिद्धांत अपने स्पिरिचुअलिटी में है। आदमी खुद कन्फेस करता है और उससे उसको बहुत राहत मिलती है। यानी इस तरह तो कहें कि अपनी आत्मा के सामने बैठकर संवाद कर ले। संवाद कर ले, जरूर जरूर जरूर। सुरेश जी, एक बात और रह जाती है, अध्यक्ष के नाते, शिरडी साईं संस्थान के अध्यक्ष के नाते आप भी कहीं भावुक होते होंगे कि एक ऐसा कुछ होता जिससे मेरे मन को शांति मिलती, तो कुछ ऐसी भावना इस तरह जुड़ी हुई है संस्थान के प्रति? जरूर, मैं जब भी देखता हूँ बाबा की मूर्ति मेरे सामने जो आती है वो यही आती है कि सबसे गरीब, सबसे अभावपूर्ण अवस्था में जो जी रहा है उसको मदद यदि मिलती है तो वह सबसे अच्छी अवस्था होगी। मैंने बाबा आमटे का एक वाक्य प्रत्यक्ष उनके मुंह से सुना है। उनका ये कहना था कि जो वेद नहीं कहते वह वेदना कहती है, और इस वेदना को समझने के लिए मनुष्य के अंदर में संवेदना होना बहुत जरूरी है। तो यह संवेदना का अनुभव हर कोई करे, समाज पुरुष इस नाते अपने समाज को ले कि मैं एक समाज पुरुष का हिस्सा हूँ, और यह समाज पुरुष यदि मजबूत रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, तब मैं मजबूत और तंदुरुस्त रहूँगा। मेरी अकेले की तंदुरुस्ती को कोई मायना नहीं रखता है। तो सबसे गरीब जो है, वंचित है, पीड़ित है, उपेक्षित है, दुर्लक्षित है, उसकी सेवा करने का मौका यदि जीवन में मिले तो वह सबसे बड़ा मौका आपको दिया है भगवान ने, ऐसा समझना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। साईं बाबा का दर्शन यही था कि सेवा जन कल्याण है, और ये वेदना कहीं भी है उसके प्रति हम अनुभव करते हैं, उसी को संवेदना कहते हैं। इसी संवेदना से पूरा देश प्रभावित हो, और शिरडी साईं संस्थान के अध्यक्ष के नाते सुरेश हावरे जी हमारे स्टूडियो में आप पधारे, और इतनी महत्वपूर्ण, इतनी अच्छी जानकारियां हमारे श्रोताओं को आपने दी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और सभी श्रोताओं का। सभी श्रोताओं को मैं कहूँगा, आप आइए शिरडी में, एक अलग अनुभव लीजिए श्रद्धा का, सबूरी का और सेवा का। धन्यवाद।